मतलब कि तुमने खुद ही से मान लिया कि मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। मुझे अपनी औलाद अपनी गोद में चाहिए, अपनी औलाद। मैं ममता किसी से भीख में नहीं मांग सकती। तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? रोज तुम्हें औलाद के गम में पल पल मरता देखूं, रोज तुम्हारे आंसू पोछूं, रोज तुम्हें समझाऊं, रोज मैं तुम्हें अपने सामने बिखरता हुआ देखूं। जानता हूं तुम तकलीफ में हो, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा तुम्हारी तकलीफ महसूस करता हूं। तुम तो वो दवाइयां खाके अपने आप को नम करके औलाद का गम मिटा देती हो, लेकिन मैं पूरे होशो आवाज में तुम्हारे गम को महसूस करता हूं। ये सब क्या है? डोंट वरी, समेट दूंगी। नहीं नहीं हम मिलकर समेट लेंगे, इस तरह तो तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा। घर की सेटिंग भी तो बदलनी है। क्या हुआ, सही तो है? बच्चा गोद ले रहे, उसके लिए जगह भी तो बनानी है। ये देखें, ये आपका रूम है, इस रूम में हर चीज आपकी है, आपको जो भी चाहिए हो जैसा भी बिला झिझक मैं बता सकती हूँ। सही है? देखो ये टॉयज हैं, वो गिफ्ट है आपके लिए। हाँ सवाले आप, मुझे कुछ वक्त लगेगा अभी। चलो ठीक है, टेक योर टाइम, कोई मसला नहीं। हाँ जी, अच्छे हैं ना? सच तो ये है, खुद मुझे भी उम्मीद नहीं थी इस ऑप्शन के कामयाब होने की, लेकिन मैं खुश हूं कि ये आइडिया काम कर गया। वाकई इतनी रैपिड तब्दीली की तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी। सवालिया ने मुइस को एक्सेप्ट करने में कुछ वक्त जरूर लगाया, लेकिन जब एक बार कर लिया तो बस कर लिया। वैसे दोनों हैं कहाँ, हम भी तो मिले। 3 दिन से माँ बेटे की शॉपिंग खत्म ही नहीं हो रही, रोज निकल जाते हैं, बस आने वाले होंगे यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह, पुराने वाली सोहलिया वापस आ गई, तुमने बताया भी नहीं। और आज आप फिर भाभी के बगैर आ गए। अब तो वाकई लाना पड़ेगा भाई। और हीरो, ये बताओ पापा फेवरेट हैं या मामा? मामा। नहीं यार। गुड बॉय। चलो तुम कपड़े चेंज कर लो, आप प्लीज बैठे, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। और सर जी, बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है।